नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। भारत के विभिन्न राज्यों में ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। यही वजह है कि देश के कुछ राज्यों ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। इसको लेकर अस्पतालों में अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं। इसके लगातार बढ़ते मामले और इसके इलाज और लक्षण को लेकर कई सारी जानकारियां सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफी कुछ चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि विशेषज्ञों की निगाह में नाक का बंद होना और सांस लेने में अधिक परिश्रम करना और दांतों का ढीला होना जैसे लक्षण इसके शुरुआती संकेत होते हैं। ऐसे में इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। समय रहते इलाज से ये बीमारी ठीक हो सकती है। ब्लैक फंगस से सबसे अधिक खतरा उन लोगों को है जो पहले से कैंसर रोगी हैं या जिन्हें कोई अंग ट्रांसप्लांट किया गया है। इसके अलावा शुगर और डायबिटिक मरीजों को भी इसके होने का खतरा है। इसके साथ ही कोरोना के शिकार वो मरीज जिन्हें ऑक्सीजन लगी है वो भी इसकी चपेट में आसानी से आ सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ऑक्सीजन लगने के बाद मास्क के चारों तरफ फंगस जमा होने लगती है। ये सांस के साथ शरीर के अंदर आती है, पहले नाक, फिर मुंह, आंख और मस्तिष्क में पहुंच जाती है। मस्तिष्क में पहुंचने के बाद मरीज की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि समय रहते इसका पता चल जाए तो इसका इलाज हो सकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान जरूर दें कि ऑक्सीजन में इस्तेमाल पानी को भी अधिक पुराना ना होने दें। इसके लिए केवल डिस्टिल वाटर ही इस्तेमाल करें। आपको ये भी बता दें कि ये फंगस नमी वाली जगह पर ही पनपती है। ऐसे में यदि ऑक्सीजन के लिए लगा मास्क इसका माध्यम बनता है तो इसका असर सबसे पहले नाक पर पड़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।